रहे हैं PTNI न्यूज चैनल। जनपद अमरोहा के गदरोला से हम आपको बड़ी खबर बता रहे हैं। गदरोला पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी, 32 पेटी अवैध शराब के साथ किए दो तस्कर गिरफ्तार। उत्तर प्रदेश के जनपद अमरोहा के कोतवाली क्षेत्र गदरोला में पुलिस ने 32 पेटी अरुणाचल प्रदेश मार्ग का अवैध शराब के साथ दो तस्करों को गिरफ्तार कर लिया। बता दें कि मुखबिर से सूचना मिलने के बाद नेशनल हाईवे पर पुलिस ने चेकिंग शुरू कर दी। मुखबिर के द्वारा बताई गई स्विफ्ट डिजायर कार की पुलिस ने घेराबंदी कर ली। चेकिंग के दौरान तलाशी लेने पर गदरोला पुलिस ने कार से अरुणाचल प्रदेश मार्का की अवैध शराब की तस्करी करने ले जा रहे 32 पेटी शराब जिसमें 384 बोतलों के साथ दो आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। बताया जा रहा है कि शराब तस्कर अमरोहा समेत मुरादाबाद में और आसपास के जनपदों में शराब की सप्लाई करते थे। बरामद की गई शराब की कीमत लगभग 1.5 लाख रुपए बताई जा रही है। पुलिस द्वारा आरोपियों से पूछताछ करने पर जावेद पुत्र कल्लू निवासी जनपद रामपुर थाना क्षेत्र टांडा के गांव नंगलिया कासगंज निवासी और चेतन पुत्र बलवीर थाना क्षेत्र पटवाई ठाकुर द्वारा निवासी को पुलिस ने गिरफ्तार कर विधिवत कार्यवाही करते हुए मुकदमा दर्ज कर लिया है। प्रथम टीवी न्यूज इंडिया के लिए गजरोला से फारूक अली की रिपोर्ट। ये थाना गजरोला में स्विफ्ट गाड़ी में करीब 32 पेटी शराब पकड़ी गई है। ये शराब अरुणाचल प्रदेश की बनी है और काशीपुर से हापुड़ की तरफ ले जा रहे थे। इसमें दो अभियुक्त गिरफ्तार किए गए हैं। एक पेटी में 750 ml की 12 बोतलें हैं। इस तरह से कुल 36 पेटी शराब पकड़ी गई है।